तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपरस्टार प्रिंस। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पिट्स विला 13 के सेकंड एपिसोड के बारे में, जो कि एयर हो चुका है वूट सेलेक्ट पे। तो अगर आपका वूट मेंबरशिप है तो आप उसे एक दिन पहले देख सकते हैं टीवी से, जो कि आज देने वाला है टीवी पे। तो आज के वीडियो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, उसी एपिसोड के बारे में, कैसा था एपिसोड, क्या क्या चीज़ें हुए एपिसोड में, और इस एपिसोड को पूरी तरह से हम लोग रिव्यू करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में ही सभी कंटेस्टेंट विला पहुंचते हैं, और वहां पे पहुंचते ही सभी कंटेस्टेंट ये ट्राई करते हैं कि एक दूसरे करेक्शन बना ले जल्दी से जल्दी, क्योंकि इस गेम का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है कि आपको जल्दी से जल्दी करेक्शन बनाना होगा गेम में आगे बढ़ने के लिए। और सबसे बेस्ट करेक्शन बनता हुआ मुझे दिख रहा है केविन और कैट क्रिस्टीन का, वो लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं एक साथ। और इसके साथ साथ जब एक फनी बोर्ड मोमेंट भी था इस टाइम, जब गैरी कैट से बात करने की कोशिश कर रहा था और केविन को ये देख के जलसी हुई और केविन ने गैरी को पकड़ के स्विमिंग पूल में फेंक दिया, वो मुझे बहुत फनी मोमेंट लगा। तो फिर रात में एक स्क्रोल आता है जिसमें लिखा था निखिल, केविन और वोमे, जो पिछले एपिसोड में क्यूपिड टास्क के विनर थे, उन्हें डेट पे जाने का मौका मिलेगा उन लड़कियों के साथ जिन्होंने उन्हें गोल्डन एरो दिया था। उसके बाद सभी लोग डेट के लिए जाते हैं, और सबसे पहले हमें केविन की डेट दिखाई जाती है, जहाँ पे केविन किसी और लड़की पे ध्यान ही नहीं दे रहा था, उनका सिर्फ ध्यान कैट क्रिस्टीन पे था, जो कि बहुत क्यूट मोमेंट था उन लोगों के बीच। फिर सारी लड़कियाँ चली जाती है और केविन और कैट क्रिस्टीन अकेले रहते हैं वहाँ पे, और वो लोग बहुत ही अच्छा लव स्टोरी उन लोगों की लग रही चलेगी स्पिट्स विला में। और उसके बाद हमें फिर दिखाया जाता है निखिल का डेट, जहाँ पे निखिल और पलक का एक कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है, और वो दोनों मुझे अब तक सबसे बेस्ट लगे हैं फेवरेट कंटेस्टेंट, वो लड़कों में निखिल और लड़कियों में पलक मुझे अब तक सबसे बेस्ट लगी है। और हमें ये भी देखने मिलता है आजमा जो है वो इन लोगों का डेट ख़राब करने की कोशिश करती है वहाँ पे बैठे बैठे, क्योंकि उसने बहुत जलसी हो रही थी मेरे ख्याल से। फिर हमें वोमेस का डेट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक साथ दो नाव पर सवार होने की कोशिश कर रहे थे, आरुषि और भूमिका दोनों के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्हें तो आरुषि को वादा भी कर दिया था कि वो है उनकी कनेक्शन इस घर में चाहे कुछ भी हो जाए। फिर सभी कंटेस्टेंट अपने अपने डेट से वापस आते हैं, और आधी रात में उसके बाद रणवीर सर आते हैं सबके नींद उड़ाने के लिए। फिर वो सबको बोलते हैं, सभी तीनों लड़कों को, कि आप अपना अपना कनेक्शन बताएं जो आप जिन्हें आप अपने साथ गोल्डन विला ले जाना चाहेंगे। तो एज यूजल जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, केविन ने कैट को चूज़ किया, और वो दोनों मैं सच बता रहा बहुत प्यारे लग रहे हैं एक साथ। और उसके बाद फिर निखिल ने पलक को चुना, जिसके चलते आजमा बहुत गुस्सा हो गए, उसके बाद उन्हें टॉन्ट किया कि वो आगे जाके उनकी जर्नी में बहुत मुसीबतें खड़ी करेंगी। और फिर लास्ट में बहुत शॉकिंग मोमेंट देखने मिला, जब वोमेस ने आरुषि के बदले भूमिका को चुन लिया, उसके बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, फिर आरुषि रोने भी लगी। मेरा तो ये मानना है कि वोमेस शक्ल से तो बहुत भोले लगते हैं, लेकिन वो अंदर से उतने ही बड़े प्लेयर हैं, बहुत ही गजब गेम खेल रहे हैं वहाँ पे, और यहाँ पे वो गेम ही खेलने आए हैं स्पिट्स विला 13 में। और जब ये सब हंगामा हो रहा था, शिवम भी बार बार टॉन्ट कर रहे थे, पोक कर रहे थे वोमेस को, ताकि कुछ हंगामा हो यहाँ पे। और तभी केविन और ध्रुव वोमेस के सपोर्ट में आ जाते हैं, और वहीं पे दूसरी तरफ निखिल और जय शिवम के सपोर्ट में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है, लड़ाई WWF चालू हो जाता है सभी लड़कों के बीच, और दूसरी तरफ लड़कियों के बीच भी कैट क्रिस्टीन और बाकी सब लड़कियाँ लड़ने लगती हैं आपस में, बहुत केओस सा मच जाता है। तो यही था पूरा एपिसोड 2 स्पिट्स विला 13 का, जो कि बहुत ही कमाल का एपिसोड था, आगे के एपिसोड के लिए बहुत हाइप क्रिएट करता है ये एपिसोड। तो इस एपिसोड को मैं देता हूँ 10/10, और आज का स्टार परफॉर्मर भी केविन था, क्योंकि उन्हें अपना रियल कनेक्शन मिल गया सबसे पहले इस शो में मेरे हिसाब से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।